मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। कल इवनिंग में यूएस का डेटा था, यूएस पीपीए डेटा एंड जॉबलेस डेटा, जिसके जो भी डेटा आया है द डेटा वाज डॉलर पॉजिटिव, जिसके कारण डॉलर इंडेक्स 102.80-90 लेवल से एकदम ऊपर चला गया एंड क्लोज द 103.36 में, करेंटली 103.46। सो काफी कल के दिन में डॉलर पॉजिटिविटी देखा गया है। सो व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट में अभी हमारा एक ये है कि ये जो सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड है, इसके हाई के ऊपर जाना नहीं चाहिए। ये पुल बैक के बाद यहाँ पे 103.4060 लेवल्स में एक रेजिस्टेंस लेके फिर दोबारा अगर आएगा, दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट केस सिनेरियो एज फार एज द डॉलर फॉर अ ट्रेंडेड मूव। जीबीपी डॉलर करेंटली आपका 1.2732, कल के दिन में एक अच्छा खासा नेगेटिविटी के साथ ये एक्टिविटी हुआ है, स्पेशली आफ्टर द यूएस डेटा, जहां पे फ्रॉम एन इंट्राडे हाई ऑफ 1.2823 इट ट्रेडेड लो ऑफ 1.2730, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का एक रेंज है, एंड फाइनली क्लोज्ड एट 1.2753। देन सो व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पे हम बेसिकली एक पुल बैक का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हुआ नहीं है। हमारा ये इंतजार था कि 11th मार्च के हाई के ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल के साथ बुलिश कैंडल फॉर्म करे अगर जीबीपी डॉलर को ऊपर की तरफ जाना हो तो, लेकिन यहाँ पे एक रेदर कल के डेटा नेगेटिव एंड आज भी फॉलो थ्रू दिख रहे हैं। सो दैट मीन द केस अभी हमारा जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है आपका सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड। सो प्राइस इसके लो के नीचे जाना नहीं चाहिए, अगर जाता है तो हम जो बुलिशनेस के सोच रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पूरा का पूरा निगेट कर जाएगा। जीबीपी आईएनआर सिमिलरली कल के दिन में एक अच्छा खासा सेलिंग देखा गया, अभी हमारा जो है ये सेंटर बैंड के नीचे डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, यानी क्लोज नहीं होना चाहिए, देन हमारा जो बुलिशनेस का एक बायस के लिए हम सोच रहे हैं वो निगेट हो जाएगा। यूरो डॉलर 1.08 75, सो ये आपका यहाँ पे आपका यही सपोर्ट लेवल होना चाहिए अगर यूरो डॉलर को ऊपर जाना है। सो ये सेंटर बैंड के लो के नीचे सस्टेन करना नहीं चाहिए, क्लोज भी नहीं देना चाहिए इन केस यूरो डॉलर को पॉजिटिव साइड में जाना हो। अभी इंपॉर्टेंट चीज यही है, आप देखोगे यूरो डॉलर अप्रोचिंग द सेंटर बैंड फ्रॉम द हाई, जीबीपी डॉलर अप्रोचिंग द सेंटर बैंड फ्रॉम द हाई, एंड यूरो डॉलर इंडेक्स इज अप्रोचिंग द सेंटर बैंड फ्रॉम द लो, मींस जो भी होगा साइमल्टेनियस एक ही साथ में होगा। अगर डॉलर इंडेक्स सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लेके नीचे आते हैं तो जीबीपी डॉलर में भी यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, यूरो डॉलर में भी यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। मींस ये कैलकुलेशन का जो होगा तो सब कुछ एक साथ होगा, नहीं तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यूरो आईएनआर में भी सिमिलरली सेम वही एनालिसिस है, आपका सेंटर बैंड के नीचे नहीं जाना चाहिए, पुल बैक के बाद एक ऊपर की तरफ का एक एक्सपेक्टेशंस हम मींस देखते हैं, अगर ऐसा होता है तो अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट के साथ हम ये सब डॉलर येन में कल के दिन में एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल के साथ क्लोज दिया एट 148.29, करेंटली 148.40। यहाँ वही है पुल बैक के यहाँ पे दो चीजें, एक हम ये देख रहे थे कि डॉलर येन यहाँ पे 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर ना चला जाए, ऊपर चला गया, अगर ये नीचे की तरफ आता है तो एक इमीडिएट काफी अच्छा खासा मिल सकता था, लेकिन हुआ नहीं है। अभी ये डॉलर येन सेटलमेंट वही सेम सिमिलर एनालिसिस, बेस्ट केस सिनेरियो हो सकता है अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए तो। येन आईएनआर में भी ये पुल बैक अच्छा खासा हो रहा है, पुल बैक के बाद हमें थोड़ा सा एक्चुअली बुलिशनेस के लिए सिग्नल चाहिए। डॉलर कैंडी साइडवेज कंसोलिडेशन जो रेंज के अंदर में 1.3350 एंड 1.3600 उसके रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, करने देते हैं। ऑसी डॉलर वही सेंटर बैंड में आ चुका है, यहाँ पे आपका ये वाला
सो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे बुलिशनेस, बुलिश कैंडल, अगर इसको ऊपर जाना है तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल सेट करना है, अदरवाइज अगेन थोड़ा सा वीकनेस या साइडवेज मिल सकता है। सीएनएस 7.1885 ये रेंज के अंदर में ही है, 1.2 7.23 ऑन द हायर साइड एंड 7.17 लोअर साइड, इसको कंसोलिडेट करने देते हैं। ब्रेंट क्रूड काफी स्ट्रेंथ के साथ कल क्लोज दिया है, कल का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन था उसको क्लोज करके ऊपर चला गया है, आपका क्लोज रेट 84.6 से करंटली 84.72। यहाँ पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था ये जो जोन था ऊपर की तरफ दिस जोन, नीचे की तरफ ये जोन, ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया है। सो यहाँ पे अभी हमें मीन्स एक लॉन्ग बायस बन सकता है, बैंड वॉक कैंडिडेट भी हो सकता है, हमें सिर्फ लोअर लेवल पे प्राइस एक्शंस के देखिए बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। ये यूएस 10-year ट्रेजरी कल के दिन में जबरदस्त फ्लाई किया ऊपर की तरफ, इंट्राडे हाई ऑफ 4.30 एंड फाइनली क्लोज एट 4.29। हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सेंटर बैंड के ऊपर क्लोज देना नहीं चाहिए अगर इसमें नीचे एक ट्रेंड मूव करना हो तो, लेकिन हुआ नहीं, एकदम सेंटर बैंड को तोड़ के फोड़ के ऊपर की तरफ चला गया है। सो यहाँ पे जो हम देख रहे थे फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑन द सेंटर बैंड इज द बेस्ट केस सिनेरियो, वो यहाँ पे नहीं होने वाला है। अभी हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन को देखिए मीन्स सेलिंग के लिए देखना है, लेकिन और वन मोर थिंग इज आरएसआई रेजिस्टेंस एट 60 सेकेंड लेवल, ये आरएसआई 60 के ऊपर जाना नहीं चाहिए यार, यही से प्राइस एक्शंस बना के अपना नीचे की तरफ आना चाहिए। यूएस 2-year ट्रेजरी ये भी सेंटर बैंड को तोड़ के फोड़ के ऊपर की तरफ चला गया है, अभी वही है आरएसआई को हमें देखना है, आरएसआई एट एनी केस 60 के ऊपर जाना नहीं चाहिए, अदरवाइज इट विल बी डेंजरस एंड मे टेस्ट मे चैलेंज द इमीडिएट स्विंग हाई। सो एंड लास्टली इज योर डॉलर रुपी, डॉलर रुपी में पिछले 2-3 दिन में थोड़ा सा आप ये क्या बोलते हैं आपको आउटफ्लोस के कारण डॉलर रुपए में अच्छा खासा बाउंस किया, अभी हमें ये देखना है 82.95 से 83.10 के लेवल पे क्या सेलिंग आते हैं या नहीं। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा, इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।